दोस्तों, आज तक हमने जितने भी सुपर हीरो के बारे में चर्चा किया है वो सब उड़ सकते थे क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल पावर था जो कि उड़ने वाला। लेकिन आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है एक ऐसा हीरो जिसके पास उड़ने के साथ साथ एक सुपर हियरिंग पावर भी है जो कि सबसे ज़्यादा और कम हल्की साउंड को भी सुन सकता है और उस ध्वनि के साथ वो बहुत ही कार्य करता है, अजब गजब का कार्य बना के रखता है। तो चलिए जानते ही वो सुपर हीरो कौन है। दोस्तों, क्या चमगादड़ का घर में आना शुभ माना जाता है? हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, हम चमगादड़ के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आज हम जिस सुपर हीरो के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो वीरान पड़े घरों में, पेड़ और गुफाओं के अंदर उल्टी लटकती हुई आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं चमगादड़ के बारे में। पूरे धरती में चमगादड़ का 1300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद है। दोस्तों, चमगादड़ को अंग्रेजी में बैट के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कायरेक्टोरा। और दोस्तों, इसको जीव जंतु वैज्ञानिक नाम से टेरोपोस मिडिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चमगादड़ विश्व के हर एक देश में पाया जाता है। ये ज़्यादातर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, चमगादड़ का वजन 2 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक होता है। सबसे छोटी चमगादड़ का वजन 2 ग्राम होता है, लेकिन सबसे बड़ी चमगादड़ का वजन 1.5 किलो होता है और उसका पंखों का चौड़ाई 2 मीटर तक होता है। सबसे बड़ी चमगादड़ को उड़ने वाले लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अधिकांश चमगादड़ छोटे मोटे कीड़े, कीट पतंग आदि को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये मच्छर का आकार जितना 1 घंटे में 500 तक कीड़े मकोड़े खा सकता है। दोस्तों, और एक फल चमगादड़ की एक प्रजाति है जो कि फूलों के रस, फूल, कलियां, फल, पेड़ों के रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। दुनिया भर में चमगादड़ की 1300 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां वैम्पायर चमगादड़ की पाए जाते हैं। ये भारत में भी वैम्पायर प्रजाति की यानी कि पिशाच चमगादड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, वैम्पायर चमगादड़ जिसे हम पिशाच चमगादड़ कहते हैं, ये कभी भी इंसानों को काटते नहीं है। ये गाय, बकरी, भेड़ और सूअर आदि के खून चूसते हैं। अगर इंसान इनको छेड़े तो इंसान को ये अपने बचाव के लिए काट लेते हैं। इनसे रेबीज नाम का एक बीमारी होता है। चले दोस्तों, जानते हैं कि चमगादड़ के पास कौन सा सुपर पावर है। चमगादड़ रात में हमेशा शिकार करने के लिए निकलता है क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी उनको आँखों को चौंधिया देता है, जिसके वजह से ये रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं। दिन में ज़्यादा रोशनी होने की वजह से उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। जब ये रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं, ये बहुत दूरी तक भी तय कर सकते हैं। कभी कभी ये 60 माइल तक भी अपना दूरी तय कर सकते हैं। ये जब शिकार करने के लिए कीड़े के झुंड को ऊपर जाते हैं, ये 10,000 फीट तक भी ऊँचाई तक उड़ सकते हैं। दोस्तों, चमगादड़ को भी रात में सही ढंग से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये खाना कैसे ढूंढते हैं, अपना शिकार कैसे करते हैं, ये अपना इकोलोकेशन का इस्तेमाल करके खाना ढूंढ लेते हैं। ये अपना इकोलोकेशन को इस्तेमाल करके चारों तरफ का जो वस्तु होता है इन सभी का भी मुआयना कर सकते हैं। चमगादड़ अपने मुख से एक ध्वनि तरंग निकालते हैं, जो ध्वनि तरंग वस्तु या कोई शिकार हो उससे टकरा कर जब वापस आता है, ये अपना शिकार का सटीक अनुमान लगाकर ये अपना शिकार ढूंढकर उसको धर दबोचते हैं, जिसके वजह से ये अपना पेट भर पाते हैं। यही तो है चमगादड़ का असली सुपर पावर, जो अपने मुख से एक अलग तरह का ध्वनि निकालता है, जिस ध्वनि का प्रत्यावर्तन ध्वनि को सुनकर ये शिकार करता है। इस ध्वनि को इकोलोकेशन के नाम से हम जानते हैं। यही तो है इकोलोकेशन का जो सुपर पावर है चमगादड़ का, उसको खाना ढूंढने में मदद करता है। हमने पूछा था कि चमगादड़ घर में आने से क्या होता है। मित्रों, हिंदू पुराणों के अनुसार चमगादड़ का घर में आना अशुभ माना जाता है। चमगादड़ के घर में आने से घर में कलह शुरू होता है और दाम्पत्य जीवन में दरार आता है।
अगर चमगादड़ आपके घर में आ जाता है तो घर में नीम और पुदीना का स्प्रे कीजिए, ये इससे भाग जाएंगे। दोस्तों ये तो था द रियल सुपर हीरो चमगादड़ के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जानकारी में कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो से आपको कुछ छोटी सी भी जानकारी आपको सीखने लायक मिला है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय जगन्नाथ।